जोहार साथियों, आप सभी झारखंडी युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने 342 सीटों के लिए एक दमदार वैकेंसी निकाल दिया है। और जिस की बात करते हैं, आजकल न्यूज और माध्यम जो आप कह सकते हैं कि कार्मिक सुधार विभाग और झारखंड सरकार ने जो अपना प्रयास, जो एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि डेट कट ऑफ डेट को 2017 किया, उसके बाद जो एक नई खुशखबरी जेपीएससी वालों के लिए आई है, जी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि क्या है जेपीएससी की खबर। तो प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी अनजान को इस सूचना को जानने में मदद करेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप सभी को पुनः झारखंडी जोहार। चलिए तो क्या है, तो देख के स्क्रीन पे हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, साइड पे देखते रहे, ठीक है। देखिए कि झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची 83-84001 प्रेस विज्ञप्ति क्या है, तो हम लोग देखिए। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संबंध में आवश्यक सूचना, इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है, तो झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए राज्य सरकार ने प्राप्त कुल 342 व्यक्तियों के आधार पर अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसे आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर देखा जा सकता। जी हाँ, भारत के विभिन्न नागरिकों के लिए और साथ करके झारखंड के भी युवाओं के लिए सुनहरा मौका है कि विभिन्न अधिकारियों के पदों पर जो रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को मांगते हुए, ठीक है, उन रिक्तियों को गणना करने के बाद 342 सीटों का रिक्तियां पेश करता है, वैकेंसी निकाली जाती है जेपीएससी के द्वारा। जी हाँ, तो जेपीएस इन रिक्तियों का कब से ऑनलाइन आवेदन है, कब पेमेंट भुगतान है, कब तक अंतिम है, सारे कुछ आप देखें। चलिए आप देख ही रहे तो देखते रहे क्या है। ऑनलाइन प्रपत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के हेतु देखिए तिथि, हाँ तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नलिखित है क्या है, तो पूरा देखिए। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि क्या है, दिनांक 1 फरवरी 2024 पूर्वाह्न 10 बजे यानी सुबह 10 बजे से फॉर्म भरने का। देखिए कब से कब, हम पूरा बता दें कि 1 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024, जी हाँ ये 2024 का महीना है, ये लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों का होता है। जी हाँ, आप याद रखें, इसीलिए ये 1 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक फॉर्म भरने का वक्त क्या रहेगा, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। जी हाँ, जो भी ऑनलाइन आवेदन देना चाहते हैं उनको ये बात जाननी चाहिए कि 1 फरवरी से 29 फरवरी तक आप जब भी फॉर्म फिल करें तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही आपको 10 से 5 के बीच में आपको वो कार्य को निपटाना है। चलिए, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, आपको लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलअप का, 29 फरवरी, ठीक है। कब तक, आपको बोलता है कि शाम के 5 बजे तक। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के अंदर पेमेंट डेट क्या है लास्ट, तो वो है 1 मार्च, वो भी कितना है 5 बजे तक ही आप पेमेंट कर सकते हैं 1 मार्च तक। प्रारंभिक परीक्षा, इसके एक जो टेंटेटिव डेट है, एग्जामिनेशन का टेंटेटिव जो संभावित परीक्षा तिथि है, वो आपको रखा गया है 17 मार्च 2024। चलिए, ये पॉइंट नंबर 2 वहाँ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन भरने हैं तो आवश्यक विस्तृत निर्देश का भलीभांति। जब भी आप ऑनलाइन फिलअप कर रहे हैं फॉर्म, तो आप क्या करें, आयोग के, ठीक है, परिषद के, ठीक है, उससे पहले आयोग के वेबसाइट, आयोग के जो बोला गया वेबसाइट पर जो प्रदर्शित जो ब्रोकर है, जो एडवर्टाइजमेंट है, उसको केयरफुल्ली रीड करें, उसको पढ़ें, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करने जाए, क्योंकि आपको जो जो वहाँ मांगा गया है उन सभी चीज़ों को आप प्लीज़ रखें, क्योंकि रखेंगे तभी आपके साथ अच्छा होगा। क्या ज़रूरत होगी, कौन सा, फिर भी हम आपको बता देंगे कितने सीटें हैं, कौन से जाति के लिए क्या फ़ायदा है, एज रिलैक्सेशन सारा कुछ बता देंगे। और आप देखें, विज्ञापन संबंधी किसी प्रकार की जानकारी के लिए आयोग के हेल्पलाइन नंबर, देखिए आपको अगर विज्ञापन में किसी तरह की कोई डाउट शंका लगता है तो वहाँ 2 हेल्पलाइन नंबर है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, कि +91 9431301636
एक बार पुनः सुन ले, 9431301636, एक बार दूसरा नंबर 9431301419। ये क्या है, अगर आपको कॉल लगाना है तो कॉल का भी एक समय होता है कि आप सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ही संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर। ये थी विज्ञापन के बाद, ठीक है। अब विज्ञापन में क्या है क्या नहीं है वो सारा कुछ देखें, ठीक है, कि कौन भर सकता है, कितने सीटी है, कैसे क्या है, कौन से पद है। चलिए, तो दूसरा पीडीएफ आप देख सकते हैं, 19 पेज का है, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण पदों पर भी बात करेंगे। देखिए ये क्या बोला गया है कि जेपीएससी, अब इसका वेबसाइट क्या है, www.jpsc.gov.in, ठीक है। या देखिए क्या बोला गया है कि अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त रिक्त है, ये तो हम पढ़ के बता दिए। द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फर्स्ट अमेंडमेंट, ये जो 2021 के जो सुधार में जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उसके अनुसार निकाला गया, ठीक है, और 2023 के अनुसार। पदों का आप थोड़ा सा विवरण देते कि कौन कौन से पद है सारणी, ठीक है, तो आप प्लीज देखते रहे क्या क्या पद है, क्या क्या पोस्ट है। तो पदों का विवरण, क्रम संख्या, ठीक है, पद विभाग का नाम क्या है कि उप समाहर्ता, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, जहां से हर एक चीज का फिजिकल ट्रेनिंग होता है ना, दौड़ धूप होता है, ये ठीक है, प्रशासनिक विभाग का वो एक पोस्ट है, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, उप समाहर्ता मतलब डिप्यूटी कलेक्टर, डिप्यूटी कलेक्टर। इसमें टोटल 207 सीट है, जी हाँ। क्या अनारक्षित जनरल यूआर के लिए 88 है, 88। आजा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 57, 57 है, आप पूरा पूरी देखते जाए, स्क्रीन में भी है आपके पास। अनुसूचित जाति एससी के लिए 17 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक BC1 के लिए आपका 9 सीट है। पिछड़ा वर्ग 2 यानी BC2 के लिए आपको 16 सीट अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9 सीट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग दूसरा के लिए 16 सीट है। अगर EWS इकोनॉमिकली जो वीक होते हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होते हैं संवर वाले, उनके लिए भी 20 सीट रखा जाए। आदिम जनजाति के लिए 1 सीट रखा गया है। महिला के लिए क्या है, महिलाओं का टोटल 10 सीट है। उन 10 सीट में क्या है, अनरिजर्व 4 महिला है, SC के 1 महिला सीट है, ST के 3 महिला सीट है, EWS की 1 महिला सीट है। जी हाँ, टोटल महिलाओं का 10 सीट है, और 10 महिलाओं के सीटों में अनरिजर्व जनरल के 4 है, SC के 1 है, ST के 3 है, BC2 के 1 है, EWS के 1 है, BC1 का कोई महिला नहीं है, ठीक है, जी हाँ। अब खेल कोटा से 4 सीट है। दृष्टि निशक्त अगर कोई है उनके लिए 2 सीट रखा गया है। श्रवण निशक सुनने में कोई है तो उनके लिए 3 सीट रखा गया है। चलन निशक चलने में असमर्थ उनके लिए 2 सीट रखा गया है। अब देखिए स्वानिंता, हाँ, ऑटिज्म, बौद्धिक निशक्ता, सीखने की विशेष अमनता एवं मानसिक रोगी और के बहु निशक्ता, मल्टीपल डिसेबिलिटीज है जो विभिन्न परिस्थितियों को मिलने से हो रही है, स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है, उनमें भी 2 सीट रखा गया है, ठीक है, यानी टोटल दिव्यांग PWD, ठीक है, 2 सीट इनमें भी रखा गया। अगर हम देखेंगे पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, उसको हम क्या कहेंगे, पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसमें 260 सीट है टोटल। तो 19 सीट आपका जनरल है, 9 सीट आपका ST है, 4 सीट SC का है, 0 सीट BC1 का, 0 BC2 का है, और आपका EWS का 3 सीट है, और आपका अधीम जनजाति का 0 सीट है, 0 0 0 सब बात, बाकी सभी शून्य है। राज्य कर पदाधिकारी, तो इसी तरह से सारे सीट दिए हुए हैं, आप एक एक करके हर एक सीट का पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम हमारे ग्रुप में PDF को बना, आपको PDF सेंड कर चुके हैं हमारे ग्रुप में, तो आप ग्रुप का भी हमको लिंक आपको डाल दे रहे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी डाल देंगे, प्लीज आप वहां जाकर ज्वाइन करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। तो टोटल सीट 342 है, आप जान ले विभिन्न विभिन्न पदों में। 155 आपका जनरल के लिए रखा गया, 88 ST के लिए, 31 SC के लिए, 15 BC1, 24 BC2, 29 EWS और इसी प्रकार करके अन्य के लिए भी रखा गया है, ठीक है। नीचे आप देखिए कि ये पे स्केल क्या है, कार्मिक सुधार, अगर उप समाहर्ता की बात करेंगे, पे स्केल का आपका पूरा देखिए चार्ट ही दिया हुआ है, 93,900 से 34,800 ग्रेड पे 5,400, ठीक है, अनुपर। तो ये आपका वेतन है, आपका मंथली है। राज्य पुलिस उपाधीक्षक का 9,300 से 34,800 पे है, ठीक है। तो ये सारे चीजें आपको हम दिखा दे रहे हैं, वेतन का है ये, ठीक है, ये भी देख ले आप,
नीचे है कि आपको योग्यता क्या रखना, चाहे भारत के किसी भी कोने से आप क्या है, आपको ग्रेजुएटेड होना चाहिए, ठीक है, स्नातक पास हो, ठीक, ग्रेजुएट होना चाहिए कंपलसरी, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी है वो डीम्ड हो या वो भारत के हर एक नियम, जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 को कंडक्ट करता हो, ठीक है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो सेक्शन है वो सेक्शन 3 यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री और डिक्लेयर टू बी, तो जो भी संसद के द्वारा बनाया गया गठित कानून के नियम अनुसार जो भी यूनिवर्सिटी मान्यता रखते हैं वहाँ से अगर आप क्या कहते हैं ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, स्नातक पूर्ण कर लिए, तो आप भरने के लिए योग्य है। अब बात रह गई उम्र सीमा, तो उम्र सीमा में जो झारखंड सरकार कार्मिक सुधार के माध्यम से जो कट ऑफ डेट रखा था कि 2017 1 अगस्त 2017 और 1 अगस्त 2024 में जो मिनिमम एज 1 अगस्त 2024 है और मैक्सिमम एज 1 अगस्त 2017 है, उसी नियम को इसमें भी लागू किया है। जी हाँ, वो जो दिखाया जा रहा है उम्र गणना की तिथि आपको साफ साफ कह रहे हैं कि कह रहा है कि संकल्प संख्या 506 दिनांक 25/1/2024 के आलोक में अभी जो फिलहाल कानून पास हुआ, असैनिक सेवा सिविलियन के लिए जो नागरिकों के लिए जो परीक्षा 2000 सम्मिलित होंगे जो झारखंड वासी है उनके अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2017 और न्यूनतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। अगर अधिक से अधिक उम्र की गणना कब की जाएगी 1 अगस्त 2017 और कम से कम जो एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं, ठीक है, वो 1 अगस्त 2024 से। उम्र सीमा क्या है वो आप देख सकते हैं, कहता है कि कैंडिडेट शुड बी कंप्लीटेड द मिनिमम एज ऑफ 20, एक कैंडिडेट को 21 साल कम से कम होना जरूरी है, कम से कम, ठीक है। द अपर एम इज लेट फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, अगर आप वो अन सामान्य जाती है तो आपको 35 साल होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम बोला है। एज पर रिजोल्यूशन मेमो नंबर 29 डेटेड ऑन 4 बोलता है कि 4 अप्रैल 2021 अ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजस्व डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड द अपर एज लिमिट इकोनॉमिकली वीक सेक्टर, जो भी नियम दिया गया 2021 में EWS के लिए वो 35 साल को रखा गया है मैक्सिमम EWS, याद रखे, यानी कि द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अबव विल बी रिलैक्सेबल एज बिलो। अब जिनको उम्र में समय सीमा में छूट मिलेगा हम तो पहले ही बता दिया, फिर भी एक चार्ट दिया हुआ आप स्क्रीन पर भी देखते जाए कि कैटेगरी एक्सट्रीमली वीक सेक्टर बैकवर्ड क्लास यानी बैकवर्ड क्लास 1-2 BC1 BC2 इनका अधिकतम आपको 37 साल दिया गया है, तो यानी ये 37 साल कब तक है आप 2017 तक के गणना कर सकते हैं। फीमेल अनरिजर्व एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, अब महिलाओं के लिए क्या है 38 साल है 38 ईयर है। अगर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अगर SC और ST के लिए अधिकतम उम्र की गणना करेंगे तो 40 साल है, जी हाँ, ये स्थानीय नए का। और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर कोई अपंगता को, ठीक है, कोई फिजिकल हैंडी अपंगता को अगर प्रदर्शित करता है तो उसके लिए उनके कैटेगरी ये बोला है कि रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी, उनको 10 साल का छूट दिया जाएगा लेकिन उनके कैटेगरी वाइज कितने परसेंट है, इतना परसेंट, 40% 50-60% होता है ना अपंगता, उनके अनुसार, जी हाँ, आपको आपके कैटेगरी के अनुसार छूट दी जाएगी। अगर कोई एक सर्विसमैन है, ठीक है, तो उनको 5 साल का दिया जाएगा। चलिए अब ये रहा बात, ये सारे कुछ रहा, आप लोग जान सकते हैं। और इस परीक्षा में कोई भी शामिल हो सकता है, यहाँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट का प्रावधान खत्म कर दिया, ऐसा नहीं कि UPSC से होता ना 3 बार 4 बार, ये नहीं, यहाँ पे आप जो इस क्राइटेरिया को एलिजिबल है वो भर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके बीच में JPSC का। अगर आप इससे और अधिक आरक्षण का लाभ देखिए, और एक और भी कुछ दिया गया है कुछ इम्पोर्टेंट कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या नहीं लगेंगे, तो सारे कुछ का वीडियो हम आपको एक रूप में बता देंगे कि प्रमाण पत्र क्या है। फिर भी हम डॉक्यूमेंट्स दे दे रहे, वीडियो बहुत अधिक लंबा बन रहा है इसलिए हम बता दे रहे कि कौन सा प्रमाण पत्र लगेगा, कब कब क्या लगेगा, सारे कुछ को हम एक कंप्लीट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जा रहा है, तो आज के लिए हम इतना ही चाहते हैं और हमको दीजिए इजाज़त। तो फिर इसका संपूर्ण कंप्लीट वीडियो आपको देंगे एक वीडियो में पूरा विवरण के साथ। तब तक लिए मिलते हैं नए वीडियो में, नए नए रंग रूप वाले, नए नए विश्लेषण, नए नए वैकेंसियों के साथ। तो आज इजाज़त, तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।